हेलो एवरीवन आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स जीके के गुरुजी दोस्तों आज से हम जो सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं उसके अंदर हम मेथ्स के टॉप फोर हंड्रेड क्वेश्चन देखेंगे जो कि रेलवे के अंदर बार बार पूछे गए हैं जैसे कि ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये देख सकते हैं आप आर ग्रुप डी सतारह सितम्बर दो की सेकेंड शिफ्ट के अंदर पूछा गया है इसी तरह से जो भी क्वेश्चन आपको इस सीरीज के अंदर कराए जाएंगे वे सभी क्वेश्चन जो है रेलवे के अंदर बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है दो संख्याओं का योग हमें दिया हुआ है नो है और उनके व्युतकर्मों का योग एक बटे दो है तो उनमें से एक संख्या क्या है आपके पास चार ऑप्शन है आपको बताना है कि एक संख्या इनमें से वो कौन सी है तो सबसे पहले हमारे पास क्या है दो संख्याएं हैं हमने मान लिया दो संख्याएं हैं ए और बी दो संख्याएं हैं ए और बी उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हमें करना है हमें दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग हमें कितना दिया हुआ है नौ no. तो हमारे पास संख्याएं हैं ए और बी दोनों का अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास कितना दिया हुआ है नौ no. इसके बाद दोस्तों वो क्या कह रहा है कि इन संख्याओं का जो है व्युत्कर्मों का योग यानी इनको जब हम उल्टा देते हैं तो हमें पता है कि जो संख्याएं हमने मानी हैं उनके बटे में हमेशा क्या होगा एक इनके बटे में हमेशा क्या होता है एक होता है कोई भी संख्या हो जिसके बटे में ना दिया हो कुछ भी उसके बटे में हम एक ले सकते हैं जैसे एक बटे एक दो है तो उसके बटे में एक लगा सकते हैं इसी तरह से आप जो है बटे में एक लगा सकते हैं तो अब हमें दिया हुआ है सेकंड कि इनके व्युतकर्मों का ये अगर हम इन्हें उल्टा देते हैं यानी एक बटे ए प्लस एक बटे बी ये हमें कितना दिया हुआ है एक बटे दो बस अब इसे हमें सॉल्व करना है तो अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा ए बी इसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे सॉल्व कैसे करना होता है दोस्तों ये आपको अगर नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना मैं आपको जो है एलसीएम किस तरह से सॉल्व करना है उसे भी आपको जो है एक वीडियो के अंदर बता दूंगा तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे बी प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए इधर हमारे पास है एक बटे दो अब इसे हमें सॉल्व करना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों ए प्लस बी लिख सकते हैं और बटे में है ए बी इक्वल टू में है हमारे पास एक बटे दो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है नौ तो यहाँ पे ये हम नौ पुट कर सकते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा नौ बटे ए बी बराबर है एक बटे दो इसके बाद हमें क्या करना है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी इक्वल टू में हमारे पास आ जाएगा नौ को दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया अठारह अब दोस्तों हमें इस तरह से इसे तोड़ना है कि उसका योग हमें नौ प्राप्त होना चाहिए और उसकी जो मल्टीप्लाई है वो हमारे पास अठारह होनी चाहिए तो इसे तोड़ेंगे तो हमारे पास नौ और दो आ गया एक तो तो अगर हम नौ और दो का प्लस करते हैं तो ये हमारे पास आ गया ग्यारह लेकिन हमें चाहिए नौ तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा इसके बाद अठारह को हम हो और किस तरह से तोड़ सकते हैं तो हम तोड़ सकते हैं तीन और छः में तीन छः के अठारह तो इन दोनों का जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है नो no. यानी ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर रही है तो हमसे पूछा गया कि एक संख्या इनमें से कौन है तो इनमें से जो है ऑप्शन के अंदर तीन तो नहीं दिया हुआ है छः दिया हुआ है तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं देख सकते हैं ये जो है आर आर बी ग्रुप डी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी संख्या चार से पूरी तरह से विभाजित है हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं हमें बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या है जो चार से पूरी तरह से विभाजित है यानी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी तो दोस्तों आपको चार का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए चार के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों जो भी संख्या दी हुए जैसे हमें दिया हुआ है तीन दो एक दो इस तरह से कोई संख्या दी है हमें पता करना है कि ये संख्या चार से पूरी तरह से भाग होगी या नहीं होगी तो हम क्या करते हैं जब भी चार की बात हो तो हम पीछे से जोड़ा बनाएंगे यानी पीछे से दो संख्या उठाएंगे और उन संख्याओं को देखेंगे जैसे ये जोड़ा हमारे पास आया है बारह ये चार से पूरी तरह से भाग हो रहा है कि नहीं जिससे ये चार से पूरी तरह से भाग हो रहा है तो ये पूरी जो संख्या है बत्तीस बारह ये चार से पूरी तरह से भाग हो जाएगी Osionfish. इसी तरह से हमें देखना है कि इन चार ऑप्शनों में से कौन सी संख्या है जो चार से पूरी तरह से भाग होगी तो ऑप्शन ए के लिए हम जब पीछे से दो संख्याएं उठाते हैं तो हमारे पास आ गया चुरंजा अब हमें इसे चार से डिवाइड करके देखना है तो चार से जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये पूरी तरह से चार से डिवाइड नहीं होता है ऑप्शन नंबर बी उठाते हैं बी हमारे पास आया है छिहत्तर छिहत्तर को जब हम चार से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है चार एकम चार यहाँ पर आ गया हमारे पास तीन ऊपर से छः उठाएंगे तो चार नए छत्तीस यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो चार से पूरी तरह से विभाजित हो रहा है तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अलावा आप चेक कर सकते हैं जो सिक्सटी सिक्स है ये भी चार से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है और जो 90 है वो भी चार से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दो सात छ्स एक तीन से विभाज्य है एक्स के संभावित मानों का योग क्या होगा कोई संख्या है दो सात छस एक ये संख्या जो है तीन से पूरी तरह से भाग हो जाती है हमें बताना है कि एक्स की जगह पे कौन कौन सी संख्याएं जो हम रखें और उन संख्याओं का अगर हम योग करें तो वो इन ऑप्शनों में से कौन सा होगा ये हमें बताना है इस तरह के क्वेश्चन अक्सर ही स्टूडेंट्स जो है एग्ज़ाम के अंदर गलत कर देते हैं सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोई संख्या तीन से विभाजित होगी तो उसके लिए हमें क्या चीज़ जो है नोट करनी होती है हमें कैसे पता चलता है कि कोई संख्या तीन से विभाजित है जैसे हमारे पास संख्या दी हुई है अठारह हमें किस तरह से पता चलेगा कि यह संख्या तीन से विभाजित है तो हमें क्या करना होता है दोस्तों इन संख्याओं का क्या कर लेना होता है जोड़ यानी इस एक को क्या करना है इस आठ से जोड़ना है तो हमारे पास कितना आ गया नौ और इस नौ को हमें क्या करना होता है तीन से भाग दे के देखना होता है अगर ये पूरी तरह से भाग हो जाता है तो संख्या जो है ये जो संख्या है अठारह ये तीन से पूरी तरह से विभाजित होगी अदरवाइज नहीं होगी इस तरह से हमें यहाँ पे बताना है कि एक्स की जगह पे हम क्या संख्या रखें कि यह संख्या जो है तीन से विभाजित हो जाए तो सबसे पहले हम इन संख्याओं को जोड़ लेते हैं एक्स के अलावा जो भी संख्याएं हैं जैसे दो प्लस सात प्लस प्लस एक्स प्लस एक तो दो और सात नौ नौ और छः पंद्रह पंद्रह और एक सोलह पंद्रह और एक सोलह अब हम में से क्या करना है हमें एक की जगह पर संख्याएँ रख के देखनी है और देखना है कि वो संख्या जो है तीन से विभाजित होती है कि नहीं जब यहाँ पे एक की जगह पे हम एक रखते हैं तो सोलह और एक सतारह यानी सतारह जो है तीन से विभाजित नहीं होती इसके बाद यहाँ पे रखेंगे दो सोलह और दो अठारह यानी एक संख्या हमारे पास आ गई दो कि x की जगह पे हम दो रखें तो संख्या जो है पूरी तरह से तीन से विभाजित हो रही है इसके अलावा यहाँ यहाँ पे रखेंगे हम तीन तो हो गया उन्नीस ये भी नहीं होती है फिर रखेंगे चार चार रखेंगे तो बीस ये भी तीन से विभाजित नहीं होता है फिर रखेंगे पाँच पाँच रखेंगे तो सोलह और पाँच इक्कीस इक्कीस यानी इक्कीस तीन से विभाजित होता है तो संख्या एक हमें और पता चल गई कौन सी है पाँच इसके बाद हम देखेंगे छः सोलह और छः कितना हो गया बाईस ये भी नहीं होती फिर यहाँ पे रखेंगे सात सोलह और सात हम जब जोड़ेंगे तो हमारे पास आ गया तेईस यानी तेईस विभाजित नहीं होता इसके बाद रखेंगे आठ आठ सोलह और आठ कितना हो गया हमारे पास चौबीस कितना हो गया चौबीस चौबीस जो है वो तीन से पूरी तरह से विभाजित है तो इस तरह से हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे हमने क्या रखा था एक की जगह पे आठ तो संख्या एक और कितनी आ गई आठ इसके अलावा देखेंगे नौ सोलह और नौ को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ गया पच्चीस पच्चीस जो है तीन से विभाजित नहीं होता है यहाँ पर हमें एक अंक की संख्या रख के देखनी है इसके बाद जो है दस जो है वो दो अंक की है तो हम उसे नहीं लेंगे तो एक अंक की हमारे पास कितनी आ गई दो पाँच और आठ हमें बताना है इन सब का योग तो कितना आ गया पाँच और सात पाँच और दो कितना हो गया सात सात और आठ कितना हो गया पंद्रह तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या छः से विभाज्य है यानी हमें बताना है कि इन चार ऑप्शनों में से कौन सी संख्या है जो छः से पूरी तरह से विभाजित है तो सबसे पहले हमें छः का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए तो छः का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है दोस्तों कि संख्या दे पूरी तरह से दो से भी विभाजित होनी चाहिए और पूरी तरह से तीन से भी विभाजित होनी चाहिए दो के लिए क्या होता है दोस्तों दो का डिविजिबिलिटी रूल भी हमें पता होना चाहिए तीन का मैंने आपको बता ही दिया है दो के लिए या तो इकाई की संख्या ज़ीरो होनी चाहिए या फिर दो के टेबल में आनी चाहिए यानी दो के पहाड़े में आनी चाहिए तो आपको पता चल गया कि कोई भी संख्या दो से अगर हमें पता चलाना है कि ये संख्या दो से डिवाइज होगी या नहीं होगी तो उसके इकाई का अंक ज़ीरो होना चाहिए या फिर इकाई का अंक जो है वो दो के टेबल में होना चाहिए और इसके अलावा तीन का मैंने आपको बता दिया है तो ये दोनों रूल अगर फॉलो करते हैं दो और तीन का तो संख्या किससे डिवाइड होगी छः से डिवाइड होगी अदरवाइज छः से डिवाइड नहीं होगी तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं एक दो तीन चार और छ तो इकाई की जो अंक है वो छः है यानी छः जो है वो दो के टेबल में आता है तो यह संख्या दो से डिवाइड हो रही है अब हमें चेक करना है कि यह संख्या तीन से डिवाइड होगी या नहीं तो एक और दो तीन तीन और तीन छ छ और चार दस दस और छः, सोलह सोलह जो है तीन से डिवाइड नहीं होता है तो ये संख्या जो है तीन से डिवाइड नहीं होगी ऑप्शन बी को उठाते हैं एक दो तीन चार और आठ तो सबसे पहले दो के लिए चेक करेंगे तो क्या आ गया इकाई का अंक आठ है तो यानी दो से डिवाइड हो रहा है इसके बाद क्या करेंगे तीन के लिए इनका सभी का प्लस करेंगे एक और दो तीन तीन और तीन छ छः और चार दस दस और आठ अठारह अठारह जो है वो तीन से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा एक दो तो तीन चार आठ ये जो संख्या है ये तीन से पूरी तरह से डिवाइड होगी इसके अलावा ऑप्शन सी जो है और ऑप्शन डी जो है उसे आप चेक कर लेना वो संख्याएं जो हैं तीन से दिव... से या दो से डिवाइड इनमें से किसी एक से डिवाइड नहीं होगी और इसका कारण यह हो जाएगा कि वो संख्या छह से डिवाइड नहीं होगी तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्योंकि बी जो है वो ऐसी संख्या है जो दो से भी डिवाइड होती है और तीन से भी डिवाइड होती है इसका मतलब यह संख्या छह से भी डिवाइड होगी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी संख्या नौ से विभाज्य है यानी ये जो चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं हमें बताना है कि इनमें से कौन सी जो संख्या है जो नौ से पूरी तरह से डिवाइड होती है तो इसके लिए हमें नौ का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए तो दोस्तों जो तीन का डिविजिबिलिटी रूल है वही नौ का डिविजिबिलिटी रूल है यानी सभी संख्याओं का योग करना है और योग करने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त होती है वो संख्या हमें देखना है कि नौ से डिवाइड होती है या नहीं जैसे कि हमें कोई संख्या दी गई है तीन छ और नौ ये हमें संख्या दी गई है हमें पता करना है कि ये संख्या नौ से डिवाइड है या नहीं तो हमें क्या करना है इन संख्याओं का जोड़ करना है तीन और छः, नौ नौ और नौ अठारह जोड़ हमारे पास कितना है अठारह इसको अब हमें नौ से डिवाइड करके देखना है तो ये अगर पूरी तरह से नौ से डिवाइड हो जाता है तो ये संख्या जो है नौ से डिवाइड होगी अदरवाइज डिवाइड नहीं होगी तो इसे आप जो है खुद से चेक करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या तीन से विभाज्य है यानी हमें बताना है कि इन चार ऑप्शनों में से कौन सी संख्या है जो तीन तर, तीन से जो है पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी तो मैंने तीन का रूल आपको बता दिया है कि सभी संख्याओं का क्या करना है जोड़ करना है जोड़ करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसे तीन से डिवाइड करके देखना है अगर वो जोड़ जो है तीन से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरी संख्या तीन से डिवाइड हो जाएगी चलो एक बार और इसे करके देख लेते हैं ऑप्शन ए है हमारे पास सतारह ग्यारह अब हमें इन इनका क्या करना है जोड़ करना है तो एक और सात आठ आठ और एक नौ नौ और एक दस इनका जोड़ कितना आया है? हमारे पास दस दस जो है तीन से डिवाइड नहीं होता है तो ये संख्या जो है तीन से डिवाइड नहीं होगी ऑप्शन बी उठाते हैं एक तीन एक एक हमें क्या करना है इनका प्लस करना है एक और तीन चार चार और एक पाँच पाँच और एक क्या हो जाएगा छ इनका जोड़ हमारे पास आ गया छ जो है तीन से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तो ये जो संख्या है तेरह ग्यारह ये जो है पूरी तरह से तीन से डिवाइड हो जाएगी तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर के गणना कीजिए हमें बताना है कि दो अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या है तो दोस्तों अगर आपको संख्याओं के बारे में वीडियो देखना है तो उसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसके अंदर मैंने सभी तरह की जो संख्याएं हैं अपाज संख्याएं कौन सी होती है टाँग संख्याएं कौन सी होती है जिस यानी इवन और संख्या ये सभी संख्याएं मैंने उस वीडियो के अंदर बताई हैं इंटीजर क्या होते हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखें जिससे कि आपको संख्याओं के बारे में पूरी तरह से नॉलेज मिल जाएगी और आप जो है आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सबसे बड़ी सबसे बड़ी और सबसे छोटी आभास संख्या एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि आभास संख्या कौन सी होती है वह संख्या जो या तो एक से डिवाइड हो या अपने आप से यानी इट्स अपने आप से डिवाइड हो जैसे कि संख्या है दो वो एक से डिवाइड होती है और अपने आप से डिवाइड होती है इसके अलावा किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होती है तो ये क्या है दोस्तों एक अभाज संख्या है तो हमें बताना है कि दो अंकों की सबसे छोटी अगर दो अंकों की सबसे छोटी की बात करें तो हमारे पास आ जाएगी ग्यारह ग्यारह जो है वो एक से डिवाइड होती है और अपने आप से यानी ग्यारह से ही डिवाइड होती है तो सबसे छोटी की अगर बात करें तो हमारे पास आ गया ग्यारह सबसे छोटी अब हमें बताना है कि दो अंकों की सबसे बड़ी दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर हम बात करें अभाज्य संख्या तो वो कौन सी होगी दोस्तों नाइन्टी सेवन ये जो है एक से डिवाइड होती है और नाइन्टी सेवन से ही डिवाइड होती है इसके अलावा किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होती है तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई हम हमारे पास नाइन्टी सेवन सबसे बड़ी दो अंकों की अब हमें क्या करना है इन दोनों का अंतर बताना है तो नाइन्टी सेवन माइनस क्या करेंगे इलेवन तो हमारे पास आ गया छः यहां हमारे पास आ गया एट यानी एट्टी सिक्स तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक से सौ तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए यानी हमें क्या करना है एक से लेकर एक का स्क्वायर दो का स्क्वायर तीन का स्केयर अप टू जो है दस तक का जो स्केयर है उनका योग फल हमें पता करना है तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है उसको हम यूज़ करेंगे दोस्तों एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपोन में है हमारे पास सिक्स इस फॉर्मूले को आपको दो तीन बार अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप इसे अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं जैसे एन हमारे पास क्या है दोस्तों अंतिम संख्या तो अंतिम संख्या हमारे पास है दस यहाँ पर एन की जगह पे दस भरेंगे और प्लस एक करेंगे तो हमारे पास आ गया ग्यारह इसी तरह से इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा एन की जगह पे हम दस भरेंगे दस को दो से मल्टीप्लाई करेंगे बीस प्लस एक क्या हो जाएगा हमारे पास इक्कीस बटा में हमारे पास क्या है छ यानी संख्याएं हमारे पास कितना आ गया दस मल्टीप्लाई ग्यारह मल्टीप्लाई इक्कीस बटे में है हमारे पास छः इसे अब हम सॉल्व कर देंगे तीन तीन सात इक्कीस तीन दो पाँच दस इसे अब हमें मल्टीप्लाई कर देना है सात को जब हम पाँच से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ गया पैंतीस पैंतीस को अब हमें ग्यारह से मल्टीप्लाई करना है किसी भी संख्या को ग्यारह से मल्टीप्लाई करना हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं जैसे पीछे का अक्षर हमें लिख देना है पाँच उसके बाद इस संख्या को इसमें जोड़ देना है कितना आ गया हमारे पास पाँच और तीन आठ और ये आगे की संख्या इस तरह से ही यहाँ पे लगा देनी है तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ गया ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारी नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर